इंस्पेक्टर राज इतना ज्यादा है, गुंडा को ये मारेंगे नहीं। जितना माफिया निर्मली में सब जगह, जमीन माफिया, गांजा माफिया, कोरेक्स माफिया, ड्रग्स माफिया, स्मैक्स माफिया, वेटनर माफिया, सोल्यूशन माफिया, ये जीतता। अच्छा, दिक्कत क्या है पत्रकार जी, एमएलए में वोट देते हैं आप लोग 47 वाले को, 56 वाले को, मोकामा में, कुडनी में, टिकट दीजिएगा 56 वाले। इतना लगभग जनप्रतिनिधि बनाते हैं, अभी जो आपके यहाँ नगर निगम का निकाय का चुनाव हुआ होगा, क्या हुआ होगा, तो जब जनप्रतिनिधि बनाए होंगे तो कोई चोरे को बनाए होंगे, कोई माफिया से उसका पैसा लेके बनाए होंगे, तो बनाते तो आप ही लोग हैं, पैसा भी लेते हैं आप ही लोग हैं, और उसमें ना तीन में हम हैं ना तीन में देने वाले हैं, हम लेने वाले तो हैं नहीं, तो पब्लिके लेती है और आप ही लोग लेते हैं पैसा, और जहरीले शराब भी बेचता पिलवाता यही नेता लोग है। तो इन नेताओं को परिक्रमा, गणेश परिक्रमा और अगरबत्ती क्या दिखाता है, उनको फुर्सत है समाज में ऐसी घटनाओं से, ये छोटी घटना है, इनकी मिसेज को मारपीट किया, जिस गाड़ी में ये बैठे थे पुलिस माहवान कर रही थी, जेंट्स पुलिस माहवान कर रहा था इनके साथ, महिला है उसको, इसके बाद इनके वकील भी हैं, पत्रकार हैं, उसके बुरे तरीके से कपड़ा खोल करके मुकेश कुमार जो प्रशिक्षु है जिस तरीके से मारा है, इसका अंदाजा शायद मुझे कोई पूछा जाए, जिस तरीके से इनके साले को मारा, इनको मारा, भाई आप वीरपुर और ले जाने के क्रम में 40 घंटे के बाद आप जेल भेजते हो, ये लॉ है, अभी तक ये FIR क्यों नहीं किया मुकेश पर, मुकेश पर FIR होना चाहिए, मानवाधिकार को जाना चाहिए, ये छोटी घटना नहीं है, एक सामाजिक प्रतिष्ठित आदमी जिसकी पत्नी शिक्षिका, जिसका साला शिक्षक, जो एक पढ़े लिखे उसके बेटे को भी दूसरे दिन घेर के डाकू के तरह, आतंकवादी के तरह ले जाना, ससुराल में पत्रकार जीते वहां तोड़ के लगा कि कोई आतंकवादी आ गया, उग्रवादी आ गया, इससे बड़ा टेर